गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रेम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी नमः। आज अभी केजे गुरु जी ने इसे बताया, केवल आपके मन में संकल्प कर लो ये होना है और गुरु जी के सामने बैठ जाओ। कम से कम खेचे गुरु जी डीओ या कुछ भी गवर्नमेंट में थे और खेचे गुरु जी के पास इतने लोग थे। मैं जिस समय गुरु पूर्णिमा की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद जैसे शहर में तनख्वाह से तनख्वाह बस हो जाती है और तब गुरु जी ने कहा था कि जैसे तुझे शिविर करना है, पैसा एक भी नहीं, शिविर करना है। मैंने गुरु जी से दिल में कह दिया कि शिविर कैसा होगा। मैं आपको कहता हूँ, शिविर के आखिरी दिन तक मेरे पास एक रुपया नहीं था। बाद में किसी ने बताया कि वो चिट्ठी डालो तो आपको काम होगा, और मैंने आखिरी दिन वो चिट से पैसे आए और उसका उनका गुरुजी का शिविर बनाया। गुरुजी कहते हैं कि तुम संकल्प करना सीख लो कि मैं ये काम करूँगा। वो गुरुजी के सामने हो संकल्प, दृढ़ संकल्प हो और अच्छा संकल्प हो तो निश्चित रूप से पूर्ण होता ही है। रही दूसरी बात, हमारे जीवन में हम बहुत सारे चीज़ें देखती है, लेकिन कहते हैं कि गुरुजी किसी ने एक मंदिर बनवाया तो कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियाँ बिना घर के बिना परिवार के नहीं रहती, उसको पूर्ण रूप से घर बंगला खेती बाड़ी ये सब होता है। एक पानी का जलकुंड कोई बनाता है तो कहते हैं कि उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और एक कहते हैं कि जिसने अपने गुरु की कृपा प्राप्त की उसको इस संसार में कोई साधना में कमी नहीं होती। और नंबर 4 है, गुरु जी कहा करते थे जो शिविर करता है, अपने पैसों से शिविर करता है तो उसके घर में कभी विद्या की कमी नहीं होती। एक शिविर को ज्ञान दान कहा गया है, वो जलदान है, अन्नदान है, मंदिर को बनना है और शिविर को कहते हैं कि वो ज्ञान दान है। जिसने घर में एक शिविर अपनी ओर से संपन्न किया तो उसके घर के सभी बच्चे 7 पीढ़ियों तक मूर्ख नहीं रहते और अविद्वान नहीं, वो विद्वान ही होते हैं, ऐसा गुरु जी का कहना था। मैं आप सभी के सामने जिस दिन खेजे गुरु जी यहाँ लेके आए थे, केवल खेत था और खेजे गुरु जी ने कहा था कि यहाँ चारमोरी जी शायद उनका जिनका खेत था, ये कुछ प्लाट्स बना रहे थे तो उन्होंने कहा ये वो मंदिर को देना चाहते हैं। समय नहीं था, मुहूर्त में कोई नहीं देखा। उदय महाराज को, शेषो महाराज को फ़ोन करेंगे, उस ज़माने तो फ़ोन मुहूर्त नहीं देते, उनका कौन सा उनका मुहूर्त रहता। मेरा क्या है, एक बार गुरु जी का नाम लिया, नारियल फोड़ दिया, भाई मंदिर हो जाना चाहिए, ये मुहूर्त है। और उस दिन मैंने जिस दिन नारियल फोड़ा उस दिन से हम आज तक मंदिर नहीं रुका और मंदिर आगे चलता है। आज मंदिर की पूरी परिपूर्णता इसलिए हुई क्योंकि गुरुजी ने अपने जीवन में, आपने गुरुजी के आने के पहले पूरे पुस्तकें 1981 के पहले जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं आप पढ़ के देखो, या तो गणेश जी का, नहीं तो लक्ष्मी जी का, नहीं तो पार्वती जी का, दुर्गा का, शिव जी का, यही पुस्तकें मिलेंगी आपको। लेकिन जब से 1981 में गुरुजी ने मंत्र तंत्र विज्ञान की पत्रिका आरम्भ की और उन्होंने दशमहाविद्याओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया, आपको गुरुजी के आने के बाद दशमहाविद्याओं की पुस्तकें मिलते हैं। और गुरुजी को दशमहाविद्याओं के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वो दशमहाविद्या का मंदिर, अगर दशमहाविद्या की साधना कोई संपन्न करता है तो कहते हैं वो सिद्धाश्रम जाने के लिए तैयार होता है, सिद्धाश्रम जाने के लिए श्रेष्ठता प्राप्त करता है। दशमहाविद्या ही क्यों तो दशमहाविद्याओं के बारे में बहुत गुप्त रखा गया था, इसको सारे पब्लिक में। हमारे घर में भी क्या करते थे, हम रहे तो गणपति जी की पूजा करते, विष्णु की पूजा करते, या कोई जो संत महात्मा उनकी पूजा करते और अपना जीवन गुजर रहा था। लेकिन पहली बार गुरु ने दशमहाविद्याओं के बारे में बताया और कहा महाविद्या क्या होती है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान को प्रदान करने वाली। मैंने आज इस दशमहाविद्या के इसको कहा है कि तत्वज्ञान दीक्षा, तत्वज्ञान के बारे में दशमहाविद्या क्या है, किस लिए करना है और किसने की। हम अगर बोलते हैं तो हम महर्षि वशिष्ठ जी ने एक तारा सिद्ध करने के लिए 1000 वर्ष तपस्या की, 1000 वर्ष और उनको तारा सिद्ध नहीं हुई। उनको क्रोध आ गया और तारा के मंत्र को श्राप देने चले गए। तब उनके पिता ब्रह्मा हैं जो मानस पुत्र थे, ब्रह्मा आ गए और बोले वशिष्ठ को तो श्राप मत दे, तारा को श्राप नहीं देना चाहिए। बोले क्या, तू जो मंत्र उच्चारण कर रहा है उसमें सिर्फ थोड़ा सी बदल करना है। वो कह रहे थे आइम ओम ह्रीम क्रीम हूम फट, ये तारा जी को बोले क्रीम का मंत्र हटा दे और स्त्रीम मंत्र जोड़ दे, आइम ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। क्रीम का मंत्र वेदों, अगर हम वेदों के ज्ञान में देखा जाए तो ये क्रीम मंत्र काली से है और स्त्रीम मंत्र इस संसार के शांति के लिए मंत्र है। वशिष्ठ जी ने जैसा ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद में उस मंत्र को किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर वशिष्ठ जैसे व्यक्ति को ही 1000 वर्ष लगते हैं तो हम दशमाविद्याओं के बारे में हम क्या सोचना चाहिए। हम तो 1000 वर्ष क्या 60 वर्ष जीना भी हमारे लिए मुश्किल है, हम 60 वर्ष भी जी नहीं सकते। लेकिन गुरु जी ने अपने सिद्धाश्रम के माध्यम से तंत्र विद्या ऐसी निकाली कि हर विद्या को या तो 11 दिन नहीं तो 40 दिन से उससे ऊपर नहीं, केवल उतना करो आपको दशमाविद्या सिद्ध मैं करवाऊँगा। ये गुरु जी का कथन था। ऐसा गुरु जी ने उसके बारे में यंत्रों की, मंत्रों की और विधान की जो बात गुरु जी ने की, जैसे विश्वामित्र जो 1000 वर्ष करने के बाद वशिष्ठ महर्षि को तारा सिद्ध नहीं हुई तो तंत्र विधान से विश्वामित्र ने केवल 5 दिन में उस तारा देवी को सिद्ध किया। मैं आज ये कहता हूँ कि बापदेव में आज अगर हम इस मंदिर में आते हैं तो अब यह गुरु जी का पूर्ण मंदिर बन गया, क्योंकि यहाँ अष्टभैरव और अष्टअप्सरा और दशमाविद्याएँ हैं। जो कोई भी कभी भी आपको इच्छा हो, मैं आपको कहता हूँ किसी भी महीने की शुक्लाष्टमी हो या अमावस्या कृष्णाष्टमी हो, अष्टमी से अमावस्या, अष्टमी से पूर्णिमा तक आप कोई भी महाविद्या आकर करो, मैं आपको वचन देता हूँ कि 3 बार कर दो, चौथी बार आपको माता दर्शन देनी ही चाहिए। क्योंकि यहाँ भैरव के साथ अप्सराओं के साथ है। आप यहाँ करने कोई साधना करने के लिए डरने की बात नहीं। आप अप्सरा साधना गुरु जी के सामने कर सकते हैं, भैरव की साधना कर सकते हैं और दशमाविद्या साधना भी कर सकते हैं। यहाँ जो आज दशमाविद्याओं की मूर्तियों की स्थापना की है उसकी विशेषता यह है कि गुरु के सामने हमने दशमाविद्याओं को बैठकर साधना, हम कभी कभी घर में बैठते हैं तो गुरु जी का फोटो रखकर किसी एक महाविद्या को लेकर बैठते हैं, लेकिन सारी महाविद्याएँ माता सती के शरीर से उत्पन्न हुई थी और सती के शरीर से उत्पन्न होने के बाद वो दशमाविद्याएँ एक जगह हो और वहाँ अगर हम दशमाविद्या की साधना संपन्न करें तो हमारी वो श्रेष्ठता कहलाई जाती है और माता को आना ही होता है। मैंने बहुत बार आपको इससे पहले भी शिविर में एक बार कहा था कि साधना तुम करो, साधना करने के बाद देवता प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। ये बात अलग है साधना सिद्ध होने के बाद उसका उपयोग कैसे हो। हम अगर सोचे जाएँ हिरण्यकश्यपों जो ब्रह्मा जी से दशमाविद्याओं के साथ साथ सारी विद्याएं साधना संपन्न किया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया, वो विष्णु के ऊपर ही झगड़ने को गया। तो मैं कहता हूँ, हमारे शिंदे सर कहते हैं गुरु जी क्या याद नहीं था क्या ब्रह्मा को और हिरण्यकश्यप ऐसा खराब हो जाके उल्टे कामा करता उसको सिद्धि का को प्रदान किया। मैं कहता हूँ साधना का विधान है, तुम राक्षस बनो या देवता, तुम अगर परीक्षा फर्स्ट क्लास पास होते तो तुम्हें IAS बनना ही है। परीक्षा अच्छी लिखते हो, पढ़ते हो तो IAS बनने के बाद आप लांचखोर बनते हो, बात की बात है। IAS में नहीं लिखा है तो लांचखोर नहीं बनना। हिरण्यकश्यप को सिद्ध हुआ तो उसको नहीं बनाए, तू बुरे काम कर। तो तुम अगर तपस्या करो तो तपस्या का फल मिलना ही मिलना है। बाद में उस तपस्या का फल अगर गलत आप करते हो तो उसका पाप आपको भोगना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप साधना करने के लिए मत डरो, साधना करो। और साधना करते समय अगर गुरु आपके साथ हो तो कभी बुराई नहीं होगी। यही बात जब रावण अपना पूर्ण शिवजी को भी उसने उठा लिया था, सती माता को भी, और उसके घर में शांकरी देवी स्वयं लंका में थी। जिस दिन रावण मर रहा था तो रावण ने शांकरी देवी को बुला के पूछता है कि हे माँ एक तो बात बता दे। तो रावण बोली माँ क्या बोलना चाहता है। तो रावण कहता है कि माँ मैंने तुझे सिद्ध किया है, शिवजी को सिद्ध किया है, तपस्या से मेरे आंत लगाकर मैंने आपका भजन गाया है, मैंने सर काट कर आहुति देकर आपको प्रसन्न किया, और आज एक मानव रूप में आया हुआ राम और वानर ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये क्या दुस्थिति है मेरी ये क्या दुस्थिति है मेरी। मैं अगर कोई देवता मारता है मेरे से भी शक्तिवान मारता तो मैं कोई बात नहीं था, ये राम मानव के रूप में आकर मुझे मार रहा है और मैं मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ, इसका कारण क्या है माँ जरा एक बार मुझे बता दे। तो माता शंकरी कहती है, हे रावण, तेरे जीवन में गुरु नहीं था, इसलिए तूने गुरु ने शंकर को गुरु ने देवता माना, राम ने गुरु किया है, वशिष्ठ विश्वामित्र अगस्त्य आदि, इसलिए उसको गुरु है, इसलिए उसे तुझे मानने का अधिकार है। जिसके जीवन में गुरु होता है और गुरु के सानिध्य में साधना संपन्न करते हो तो आपको कभी बुरा मार्ग नहीं आएगा।